गीर राष्ट्रीय उद्यान विश्व में लोकप्रिय एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। एशियाई सिंह हमारे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के गुजरात वन विभाग के उत्कृष्ट प्रबंधन संरक्षण प्रयासों और सौराष्ट्र के लोगों से भारी समर्थन के कारण विलुप्त होने की दहलीज से बचा लिया गया है। सौराष्ट्र के लोगों एवं गुजरात वन विभाग के संयुक्त प्रयासों के साथ एशियाई शेर की आबादी अब 523 पर पहुंच गई है। शेर का क्षेत्र अब 5 अलग अलग जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 6 अलग अलग मेटा पॉपुलेशन है। एशियाई शेर अब ग्रेटर गीर परिदृश्य में 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और अपने खोए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। गीर संरक्षित क्षेत्र में अन्य मांसाहारी प्राणी तेंदुए की उच्च घनत्व के लिए भी जाना जाता है। 2016 के तेंदुए की गिनती के अनुसार गीर और बृहद गीर परिदृश्य में 630 से अधिक तेंदुए हैं। एशियाई शेरों के बड़े क्षेत्रीय विचरण आवृत क्षेत्र के कारण तेंदुए राजस्व क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं और मनुष्य के साथ संघर्ष में आते हैं, जो मानव और वन्य जीव संघर्ष का एक कारण है। वन्य जीवन के सफल संरक्षण और प्रबंधन के कारण वन्य जीवों की आबादी में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से ये अपने प्राकृतिक निवास स्थान जो कि वन है उससे बाहर जा रहे हैं, जिससे मानव एवं वन्य जीव के बीच संघर्ष की स्थिति भी बढ़ रही है। जहां शेर और तेंदुए बड़ी संख्या में हैं, उन क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए गुजरात वन विभाग विभिन्न प्रकार की पहलों को लागू कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पहल यह है कि मनुष्य और वन्य जीवन संघर्ष को टालने की प्रतिक्रिया समय कम से कम हो, और उसके लिए गुजरात वन विभाग ने एशिया शेरों के बृहद गीर परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर 9 रेस्क्यू सेंटर विकसित किए हैं। वन्य जीव बचाव दल में एक पशु चिकित्सक, प्रशिक्षित ट्रैकर, वन्य जीव अधिकारी और भीड़ प्रबंधन नियंत्रण अधिकारी शामिल होते हैं, ताकि बचाव दल कम से कम समय में संघर्ष के स्थान पर पहुंच सके, जिससे मनुष्य और वन्य जीव में से किसी को भी जान माल के नुकसान का खतरा ना हो। इसके लिए वन्य जीव बचाव दल को आधुनिक तकनीकों और उपकरणों से सुसज्जित होने के साथ साथ अलग अलग रेस्क्यू तरीकों से प्रशिक्षित किया गया है। वन्य जीव और मानव संघर्षों की किसी भी स्थिति का त्वरित जवाब देने के लिए गुजरात वन विभाग ने अपने बचाव और पुनर्वास क्षमताओं को काफी उन्नत किया है। जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, कुशल मानव संसाधन, संचार और स्टेट ऑफ द आर्ट बचाव केंद्र आदि प्रमुख पहल हैं। ये बचाव केंद्र विभिन्न बचाव कार्यों, वन्य जीवों की स्वास्थ्य निगरानी, वन्य जीव स्वास्थ्य अनुसंधान, प्रयोगशाला जांच,
और मृत पशुओं के पोस्टमार्टम के लिए भी भलीभांति तैयार हैं। इन बचाव केंद्रों के विकास के कारण पिछले कुछ वर्षों में मनुष्य पशु संघर्ष के मामलों की प्रतिक्रिया समय को बहुत ही कम कर दिया गया है। 9 बचाव केंद्रों की श्रृंखला की स्थापना के कारण मनुष्य और जंगली जानवरों के संघर्ष में कई गुना कमी हुई है। पिछले वर्ष सन 2016-17 के दौरान 759 वन्य जीव बचाव और संचालन आयोजित किए गए थे। गिर बचाव केंद्र अब देश का सबसे अच्छा और परिणाम स्वरूप बचाव केंद्र है। 2005 में गिर के बचाव दल को सेंचुरी एएमबी एमरो वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 2013 में गिर वन को वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन सहित गिर के समग्र जैव विविधता संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संरक्षित क्षेत्र का पुरस्कार मिला। ये सफलता के लिए गुजरात वन विभाग स्थानीय समुदायों के लोगों की सद्भावना और समर्थन की सराहना करता है, जो इस सफलता के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।